हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, अक्कू एंड बाइनरी नंबर्स GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे। सो इसमें प्रॉब्लम क्या कह रही है कि एक अक्कू एक बच्ची होगी, उसको एक रेंज दी होगी एल से आर की, एल लोअर रेंज, आर अपर रेंज। सो एल से आर के बीच में उसको ऐसे सारे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी सेट बिट 3 हों। सेट बिट 3 का क्या मतलब है, जैसे आप 1 को मतलब 2 को देखेंगे तो इसकी सेट बिट इसमें 1 है, मतलब एक ही सेट बिट है, एक 1 है। ओके, अगर जो आप 7 की बात करें तो 7 को हम कैसे लिखते हैं, 4, 2, 6 एंड 1, 7। तो इसमें सेट बिट्स आपको कितनी दिख रही हैं, 3 दिख रही हैं। तो सेट बिट 3 है तो इसको मतलब ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसमें सेट बिट 3 हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अब, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली अप्रोच जो हमारे माइंड में आती है, जो सबसे पहली अप्रोच हमारे माइंड में आएगी कि हम क्या जानते हैं कि राइट मोस्ट सेट बिट रिमूव करने की इन बिगो ऑफ वन टाइम क्या होता है, कि हम अगर एन हमारा कोई नंबर दिया है तो हम अगर करते हैं एन एंड एन माइनस वन, ओके, तो इससे हमारी राइट मोस्ट सेट बिट रिमूव हो जाती है। तो मान लीजिए जैसे हमारे पास नंबर था 7, तो इसकी बाइनरी फॉर्म होगी 1, 1 एंड 1। तो राइट मोस्ट सेट बिट जो हम रिमूव करेंगे ये ऑपरेशन लगा के, तो हमारा ये बच जाएगा 1, 1 एंड 0। अब सबसे पहले हम अपना काउंट जो रखेंगे, काउंट एक रखेंगे वो 0 के बराबर रखेंगे। एक बार लगाया तो काउंट को बढ़ाकर 1 कर दिया, अगली बार फिर लगाएंगे जब तक नंबर 0 से छोटा नहीं हो जाता है, तो अगली बार ये बन जाएगा हमारा 1, 0 एंड 0। ठीक है, तो अब हम काउंट अपना बढ़ा के 2 कर लेंगे, अगली बार फिर से ऑपरेशन लगाएंगे क्योंकि नंबर अभी 0 से बड़ा है, तो हो जाएगा हमारा 0, 0 एंड 0। अब हमारा काउंट 3 हो गया और नंबर भी 0 हो गया। काउंट 3 हो गया इसका मतलब हमें अब एक ऐसा नंबर मिला है जिसमें 3 ही सेट बिट्स हैं। ठीक है, तो ये वाली अप्रोच जो हमारी जाएगी, ये आप कह सकते हैं एल टू आर रेंज दी है, तो सबसे पहले तो हमारा एल से आर तक चलने में जितने एन नंबर्स अगर आते हैं एल से आर के बीच में, तो बीगो ऑफ एन टाइम वो लगेगा। और हर नंबर के लिए अगर वो नंबर 10^18 रेंज में यहाँ दिया हुआ है, तो 10^18 का मतलब होता है 2^64। ओके, तो हर नंबर के लिए हमें अगर जो सबकी बिट्स 1 है तो हमें 2^64 बार उसमें इटरेट करना पड़ेगा, तो बीगो ऑफ एन इंटू 64। ओके, सो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, बट यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स तो दिए हुए हैं 10^18 तक दिए हुए हैं, इसलिए अप्रोच हमारी ये नहीं चलने वाली है। ओके, सो जो अगली अप्रोच हम लोग देखेंगे वो क्या रहेगी, देखते हैं। हम लोगों ने एक पढ़ रखा है कि प्री कंप्यूटेशन क्या होता है, हम लोग पहले से प्री कंप्यूट कर लेंगे। मान लीजिए 1 से 10^18 तक हम सारे नंबर कैलकुलेट कर लेंगे जितने नंबर में 3 सेट बिट्स होंगी। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम एक आई का लूप चलाएंगे 0 से 63 तक, ऐसे ही जे का लूप चलाएंगे 0 से 63 तक, एक के का लूप चलाएंगे 0 से 63 तक। ओके, अब मान लो हम क्या कहते हैं, जब हमारा ये जो आई है ना, ये हमारा आई कुछ होगा, जे कुछ होगा, के भी कुछ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जब आई ज़ीरो है, जे है मान लेते हैं हमारा 2, के है हमारा मान लीजिए 5। ओके, के है हमारा 5, के 5 है। ठीक है, तो हम अगर 2^i करेंगे, 2^0 प्लस 2^j करेंगे, तो 2^2 प्लस 2^k करेंगे, तो 2^5। ओके, सो यहाँ पे हम ये पाएंगे, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि 2^0 का मतलब होता है 1 एंड 2^2 का मतलब होता है 4 एंड 2^5 का मतलब होता है 32। तो हम अगर ये नंबर जोड़ेंगे 37, और अगर इसमें हम अपनी सेट बिट्स देखेंगे तो इसमें हमारी सेट बिट्स 3 ही आने वाली हैं। अगर आपको लगता है तो चलो मैं आपको करके ही दिखा।
ओके सो चलिए ये देखते हैं, ये हमने 37 का जो है ये बाइनरी फॉर्मेट लिखा हुआ है। तो 37 का बाइनरी फॉर्मेट होता है 100101, इसमें आपकी 3 हेक्साडेसिमल बिट्स आती हैं। ओके तो यही हम फॉर्मेट चलाएंगे कि आई को 0 से 2 to the power 36 तक, जे को सॉरी आई को 0 से 63 तक, जे को ऐसे ही के को भी 0 से 63 तक। और हम हर बार क्या करेंगे, 2 to the power i प्लस 2 to the power j प्लस 2 to the power j प्लस 2 की पावर k। ओके और इन जो भी नंबर हमारा आएगा उसको हम अपने एक नम्स वेरिएबल नम्स नाम के एरे में ऐड करते जाएंगे। ओके तो मान लीजिए जितने भी नंबर आए हमने सबको ऐड कर लिया है। अब उन नंबर्स को ऐड करने के बाद हम उस एरे को सॉर्ट कर देंगे जिससे कि हमारे नंबर एक सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएं। अब मान लीजिए हमारा जो एरे आया वो ओके सो मान लीजिए जब हमने सॉर्टिंग लगा दी उसके बाद ये हमारा जो भी एरिया है उसमें ये नंबर्स हैं, हमने अभी वेरिएबल के फॉर्म में मान लिया आपको समझाने के लिए कि एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू नंबर्स आए हैं ये सॉर्टेड ऑर्डर में हैं। अब मान लो हमें जो भी रेंज चाहिए थी वो एक्स प्लस वन से लेकर के और जेड तक रेंज दी हुई थी। ओके तो एक्स प्लस वन से जेड तक रेंज दी हुई थी मतलब हम अब क्या करेंगे, देखो हमने एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड नाम का फंक्शन सुन रखा होगा। ओके तो लोअर बाउंड क्या करता है, बिल्कुल जस्ट जिस नंबर है उसी नंबर तक, ओके जिस नंबर है उसी नंबर तक आपको देगा। जैसे आपको यहाँ पे अब x प्लस वन कह रहा है ना, तो ये क्या करेगा, x प्लस वन तो यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है तो सीधे y पे पहुँचेगा। अब ओके उसके बाद ये हमारा जो अपर बाउंड वाला लगाएंगे फंक्शन, ओके सॉरी मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, पहले हम यहाँ पे लगाएंगे लोअर बाउंड, जो एल वाली रेंज पे हम लगाएंगे लोअर बाउंड, ओके और आर वाली रेंज पे हम लगाएंगे अपर बाउंड। ओके सो अपर बाउंड की जो इंडेक्स निकल के आएगी और लोअर बाउंड की जो इंडेक्स निकलेगी उसको अगर जो हम उसका डिफरेंस निकालेंगे, ओके उसका डिफरेंस निकालेंगे अगर इसमें हम इस एरे में अपर बाउंड की मान लेते हैं हम इंडेक्स आती 2, अपर बाउंड की हम मान लेते हैं इंडेक्स, जैसे अब इसको मैं मिटा देता हूँ, मान लेते हैं अपर बाउंड की हमारी इंडेक्स आई 2, लोअर बाउंड की इंडेक्स आई 7, तो 7 - 2 = 5 जो भी आएगा उतने हमारे एलिमेंट्स होंगे। ओके सो बेसिकली यही करना था। चलिए मैं आपको सीधे इस कोड पे एक बार लेकर चलता हूँ। ओके सो यहाँ पे आप लोग कोड देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया है। सबसे पहले तो देखिए प्री कंप्यूट नाम का हमने सबसे पहले प्री कंप्यूटिंग कर ली है, तो उसके लिए हमने एक फंक्शन चला दिया है प्री कंप्यूट नाम से, आई इज इक्वल टू 0 से जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल सेम वही करना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो आप लोग कोड देख लीजिए कि आई जैसे 0 से 63 तक चलाया है, फिर जे को आई प्लस 1 से 63 तक चलाया है, के को जे प्लस 1 से 63 तक चलाया है, और फिर उसके बाद हमने वही अपने एक टेम्परेरी नाम के एरे में नम्स नाम के एरे में स्टोर कर लिया है उस नंबर को, हर नंबर को। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमने उस एरे को सॉर्ट कर दिया है। देखो यहाँ पे सॉर्ट लगा के अब हमने पूरा प्री कंप्यूट कर लिया 1 से 10 to the power 18 तक जितने 3 वाले मतलब 3 सेट बिट्स वाले नंबर होंगे। उसके बाद वही हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड लगा के वो फाइंड कर लिया है। अब क्या होता है, अपर बाउंड जैसे हमने R से अपर बाउंड फाइंड किया, तो ये हमें जो है ना उसमें से जब हम नम्स डॉट बिगिन कर देंगे माइनस, तो वो हमको वो इंडेक्स दे देगा अपर बाउंड की, ऐसे ही लोअर बाउंड में भी होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, अगर वीडियो लाइक करें लाइक मतलब वीडियो जरूरी कर दें, वीडियो पसंद आई होगी, और सब्सक्राइब भी करें।